हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? सुबह के 6 बज गए हैं। तो अब मैं आज जो मैंने कंजकी बिठानी है, तो पहले सबसे पहले नहाऊंगी, फिर बाकी सारा काम करूंगी। तो अभी मैं फ़िलहाल आलू रख देती हूँ उबलने के लिए, क्योंकि खाना भी मैं उनको यहीं पे खिलाती हूँ, तो सारा काम कर लेती हूँ। तो चलिए फिर हो जाती हूँ शुरू। फिलहाल मैं सबसे पहले जो है आलू को बॉयल कर लूँगी, फिर उसके बाद चल जाऊँगी नहाने के लिए। मैं कहा चल चलते तब चल कर आलू जो है उबलते रहेंगे। तो मैं आलू जो है बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े लाए, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं। तो फिलहाल क्या करूँगी, मैं सबसे पहले आलू को जो ऐसे चीर लूँगी और उसमें जो ऐसे ऐसे करके चीरा लगा दूँगी। वो मैं इसलिए लगाती हूँ क्योंकि आलू जो है ना, जब वो उबल मतलब बॉयल हो जाएंगे ना, फिर छिलका जो बहुत आसानी के साथ निकल जाता है। सभी में ऐसा करती हूँ मैं, जितना काम जो सुबह निपट जाए ना वही अच्छा है, क्योंकि मैंने जो है कंजकों को 9 बजे बुलाया हुआ है, तो है भी नहीं इधर कंजके। तो जितनी मुझे मिली तो मैं सोचा कि जितना होता है मुझसे फटाफट से कर लेती हूँ। तो मैंने जो है आलू रख दिए उबलने के लिए, साथ में मैंने चने वो भी मैं उबाल दूंगी। तो अब मैं चली जाऊंगी नहाने के लिए, क्योंकि मैंने साथ में आलू रख दिए तो मैंने सोचा अब नहा भी आती हूँ। तो ठीक है, फिर नहाने के बाद मिलती हूँ मैं आपके साथ। तो आगे मैं अब किचन की तरफ नहा धो के, तो अब मैं बनाऊंगी मतलब कंजकों का खाना। तो खाना भी मैं यहीं पे खिलाती हूँ उनको। तो अभी मैं बस वही तैयारी में लगी हूँ, नहा लिया है मैंने, बस पूजा वगैरह करनी है। तो बच्चों को उठा रही हूँ कि जल्दी से जो है रूम वगैरह साफ़ कर दो, तो मैंने पूजा भी करनी। तब तक मैं जो है पूड़ियों का आटा लगा लेती हूँ, साथ में मैंने आलू तो मेरे बॉयल हो चुके हैं, मैं क्योंकि मैं रख गई थी नहाने से पहले जो है मैं रख गई थी, और बाकी रात को ही मैंने सारा जो किचन वगैरह साफ़ कर दिया था। बस थोड़ा थोड़ा जो है, जैसे कि उसको गैस को जो है मैं थोड़ा फिर भी पानी से गीला कर लूँगी, क्योंकि कहते हैं कि भी ऐसे साफ़ सफाई यानी कि सूचे में ही रसोई बनानी है। तो फिर शाम को तो मैंने कर दिया था, लेकिन जब उठने के बाद यानी कि होता है तो फिर वो सूचा कहाँ रहता है। तो बस फिर मैं लग जाऊंगी अपने काम में, तो हो जाती हूँ शुरू। तो अब मैं जो हूँ आलू रख दिए थे मैंने उबले, तो वो आलू मेरे हो चुके थे, तो मैं बस आलू को तड़का लगाने वाली थी। मैंने कहा चलो अब ये भी काम जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ। तो साथ में मैंने अब जो हीटर पर चने चढ़ा दिए हैं, तो उसको भी मैं 2-3 सीटियाँ लगवाऊँगी, क्योंकि रात को मैंने भिगो के रख दिए थे। तो बस जल्दी से मैंने अब वहाँ पे आलू की भी तैयारी कर रही थी, सब्जी की भी। तो अब मैंने पूरियों के लिए भी आटा छान लिया था, मैं मैदे से ही बनाती हूँ पूरियाँ। तो इसे मैंने नमक और तेल वगैरह जो भी रिफाइंड तेल और अजवाइन डाल दी थी। तो बस मैंने अब ये भी आटा लगा दिया जल्दी से, तो मैंने कहा पहले ये वाला काम भी कर लेती हूँ। तो बस अब मैं इस पे आ गई हूँ तड़का लकड़ियों लगाने के लिए। तो अब तड़का भी आलू को तड़का लगा दूंगी मैं अब। तो साथ साथ में मैंने जो है चने भी मेरे हो चुके थे, तो मैं चने को भी तड़का लगा रही थी। तो काले चने भिगोए थे मैंने रात को, तो काले चनों को भी मैं तड़का लगा रही थी साथ साथ में। तो इसमें मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ, प्याज वगैरह तो हमें डालने नहीं थे, तो सिर्फ मैंने मिर्च और हल्दी और थोड़ा सा अमचूर डाल दिया था मैंने। तो बस फिर उसी से ही मैंने तड़का लगा दिया। तो सब्जी भी मेरी बन रही थी यहाँ पे, तो मैंने चने भी तड़का लगा दिया था, तो चने भी मेरे हो चुके थे। तो अब मैं जो हूँ प्रसाद बनाने की तैयारी कर रही थी, यानी कि हलवा बनाने की तैयारी कर रही थी। तो हलवा भी मेरा अभी भी मैंने बना देना था, बस वही रहता था मेरा, बाकी तो मैक्सिमम हो गया था मेरा।
हलवा हो गया, ये देखिए तैयार। तो देखिए मेरा हलवा हो गया है, अब ये देखिए तैयार हो गया ना। तो अब बस तो हलवा हो गया मेरा तैयार, तो अब मैं पूरियां भी बना देती हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि कंचके मेरी अब आने वाली, 9 बज गए थे। थोड़ा सा ही हुआ कि मैंने इनकी शादी। तो जी बस मेरी कंचके आ गई है, अब मैं इनकी पूजना कर लूँगी। तो ये कंचकों का देने का सामान जो मैंने देना है इनको। सब मेरी कंचकों को मैंने दे दिया जो देना था, तो बस इनके सामने मैं बैठ गई थी और इनको मैं खाना खिला रही थी। तो बहुत खुशी सी मिलती है जब ऐसा काम करो ना, तो बहुत अच्छा सा लगता है और घर भी ना एक भरा भरा सा लगता है। तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है ये सब करने में, और बड़ी खुशी खुशी के साथ मेरी कंचके खाना खा रही थी यहाँ पर। तो बस अब तैयारी कर रही थी, जो मैंने लगाई थी ना खेती बीजी थी उसको भी ले जाने की, उनके विसर्जन करने की। तो वो जो ना हम यहाँ जम्मू में हल्की पौड़ी है, तो वहाँ पे जाते हैं हम, तो काफ़ी लोग आते हैं वहाँ पे, मैं आपको दिखाऊंगी, आगे मेरे साथ बने रहना और देखते रहना। तो काफ़ी लोग जो है बड़ी श्रद्धा के साथ वहाँ पर पूजना करते हैं और अपने अपने जो खेती लगाई थी ना तो वो सब विसर्जन करते हैं। तो यहाँ देखिए सभी लोग, देखिए इनके हाथों में भी यही है, जा रहे हैं विसर्जन करने के लिए। पहुंच चुके हैं हम अपनी वहां पर जहां पे हमें जाना था। तो देखिए ऊपर से देखिए कितने ये लग कितनी भीड़ है यहां पर। तो बस नीचे हम उतर गए, तो अब यहां पे हमने विसर्जन करना था और काफ़ी लोग आए हुए थे यहां अपनी अपनी जो खेतरी लगाई हुई थी ना वो विसर्जन करने के लिए।
तो लोग इंजॉय भी कर रहे थे साथ में यहाँ पर, देखिए किस तरह से इंजॉय कर रहे थे। बेटा मेरा भी कह रहा था कि मेरा भी मन कर रहा है नहा लूँ, मैं नहा लूँ, तो मैंने उसको कहा कि नहीं हमने थोड़ी देर इधर रुकना है, तो उसके बाद हमने। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे पूजा की जाती है, और बहुत ही श्रद्धा के साथ जो है हम लोग यहाँ पर इसकी माता जी को विदा करते हैं। और कितनी प्यारी प्यारी सी हुई है इनकी, ये देखिए। तो देखिए कितनी अच्छी अच्छी खेती हुई है, किसी की येलो है, किसी की ग्रीन है, किसी की हल्की ग्रीन है। तो मेरी भी हल्की ग्रीन थी, आपको दिखा चुकी हूँ मैं। तो ये एक बात का मैं आपको बताना चाहूँगी, कुछ लोगों का ना एक विचार होता है कि येलो निकलती है तो अशुभ होती है, ग्रीन निकलती है तो अशुभ होती है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ग्रीन निकले चाहे येलो निकले चाहे हल्का ग्रीन निकलो, पर निकलनी चाहिए खेती, बस वो शब्द शुभ ही होती है। क्योंकि हम अपनी से लगाते हैं, हमें थोड़ी पता है कि कौन सा कलर कैसा निकले, तो जो भी निकले वो सभी ही शुभ होती है, बस निकलनी चाहिए। ये देखिए काफ़ी लोग आए थे यहाँ, काफ़ी मात्रा में आए थे। बस थोड़ी देर रुकने के बाद जो हम निकल गए यहाँ से, तो मैंने कहा अब चल पड़ते हैं, काफ़ी टाइम हो गया था क्योंकि काफ़ी देर के रुके हुए थे। और यहाँ पे ना मंदिर है, लेकिन हम जो ना थोड़े अपोजिट साइड से आए थे तो हम अंदर नहीं गए थे, तो मैं आपको ऊपर से ही इसका व्यू दिखाती हूँ। तो काफ़ी बड़ी मूर्ति है ये देखिए। तो अभी भी काफ़ी लोग आ रहे थे, तो हम जो अब घर की तरफ चल पड़े। तो अब हम घर की तरफ चल पड़े, क्योंकि अब हमारा काम हो चुका था, तो अब हमने घर की तरफ चल पड़ना था। तो अभी मैं ना कई इंतज़ार कर रही थी, मैं और मेरा बेटा यहाँ खड़े हुए थे, जो स्कूटर था वो आगे की तरफ लगाया हुआ था। तो ये देखिए काफ़ी लोग अभी आ ही रहे थे, तो बस ये भी आगे, तो हम चल पड़े यहाँ से। तो मैं आगे भी दिखाती हूँ आपको, देखो कितने लोग जा रहे थे। एक बड़ी सुकून सा मिलता है ये सब देखने को ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं आप लोगों को ऐसा, पर मुझे बहुत खुशी सी मिलती है ये। मैं सोचती हूँ अब ये नवरात्रे ख़त्म हो गए, अब दूसरे नवरात्रों की जल्दी से तैयारी करूँगी मैं, बहुत ही खुशी सी मिलती है। देखिए आगे ना ट्रेन जा रही थी, तो ये देखिए बहुत अच्छा सा व्यू था। थोड़ा सा लेट होगी मैं, पर चलो जितना भी है तो आपको दिखा पाई मैं, ये देखिए। तो आज की वीडियो मेरी यही तक ही, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो जाने से पहले आपको रामनवमी की और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएँ, और आशा करती हूँ कि ये आपकी रामनवमी और दशहरा बड़ी हंसी खुशी के साथ और बहुत ही उल्लास के साथ बनाया होगा आपने। तो मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।